आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे नल्ले के बारे में जो नल्ला पबजी गेम खेलते खेलते पाकिस्तान के एक शादीशुदा बच्चे वाली औरत को पटा लेता है। उसका नाम है सचिन। ये वाला सचिन है, ये वाला सचिन। साले का थोपड़ा देख के तो लगता नहीं है कि ये लड़की जो ना इससे पट जाएगा, वो भी हमारे इंडिया का नहीं, वो भी पाकिस्तान का लड़की। तो आज के वीडियो में जो ना इसी दोनों के बारे में बात करेंगे। इस नल्ला सचिन की हरकत से जो ना मुझे एक चीज याद आ रहा है। एक ये सचिन था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मैच होता था तो बॉल को एक ही शॉट में सीमा पार कर देता था। और एक तो ये सचिन है सुसरा जो कि सीमा को ही उठा के लेके आ गए। इस सीमा का तो बात ही छोड़िए, सीमा के साथ साथ चार विकेट भी लेके आ गया जो आप सामने देख ही सकते हो। चार विकेट के साथ साथ दो बैट भी है। ये दोनों बैट को हल्का में मत लेना भाई, बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक। जो पबजी गेम खेलते खेलते पाकिस्तान से हमारे इंडिया आ गया। तो चलो देखते हैं पत्रकार ने क्या इंटरव्यू लिया है सीमा और सचिन का। सीमा और सचिन के घर पहुंचे तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। ओ मैडम, भीड़ क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान से भाग के जो ना हमारे इंडिया आया है, तो इसे देखना कौन नहीं चाहेगा। सीमा और सचिन को एक जगह बिठा लिया है। जब सीमा और सचिन को एक साथ बिठा लिया है तो मोहब्बत वाली बात चालू करो। लोग सब आपके बारे में अब सब कुछ जान चुके हैं। हाँ, सब तो जान चुका है, लेकिन मैं और जानना चाहता हूँ ये दोनों के बीच में कितना प्यार और मोहब्बत है। पहला सवाल मेरा, पाकिस्तान में महिलाओं कि अगर बात करें तो कितनी सुरक्षित है महिलाएं पाकिस्तान? अभी यार इस मैडम को किसने पत्रकार बनाया, किसने बनाया है पत्रकार? हमें पाकिस्तान के बारे में नहीं जानना है, इन दोनों के प्यार मोहब्बत के बारे में जानना है। अच्छा एक बात बताइए, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी है? मैं 5 तक। शाबाश मैडम जी, 5वीं तक पढ़ा है, 5वीं तक। जी अब बेटा तेरे लिए जो ना यही सही है, लेकिन एक सेकेंड, आपके बोलने के तरीके से बिल्कुल नहीं लगता कि आप 5वीं तक पढ़ी। अब ये मैडम जब तुमको लग ही नहीं रहा है ये 5वीं तक पढ़ा है, तो तुम खुद ही बता दो ये मैडम कितना तक पढ़ा है, कितना तक नहीं पढ़ा है। आगे के बारे में क्या सोचा है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं सोचा, हाउस वाइफ ही बनना है। ये कमाएंगे और मैं इनके लिए रोटी बनाऊंगी। तुम रोटी बाद में बना के खिलाना, मेरे को सबसे पहले इसका शक्ल देख के नहीं लगता ये कमाएगा। ये साला गेम खेल के जो ना तुम्हारी तरह और लड़की को पटाएगा। सचिन से कितना प्यार करती हैं आप? क्योंकि मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा कि आपने सचिन के लिए अपने हाथ की नसें भी काटी। वाह सीमा दीदी वाह, आपने इस नल्ले के लिए हाथ का नस काट लिया? अबे दीदी इस नल्ले के लिए जो ना कोई अपने बाल भी नहीं काटता, जो आपने इसके लिए हाथ का नस काट लिया। जब आप यहाँ आई तो ससुराल में आपको कैसा फील हुआ सबसे पहले? बहुत अच्छा। दीदी को जो है ना ससुराल वाले बहुत ही मानदान कर रहा है, पाकिस्तान से आया ना। सचिन आप बहुत गौर से सुनते हैं सीमा की बात। बहुत तेज है साले, बहुत तेज, गौर गौर से सुन रहा है बात। साले को मिलना चाहिए कलुआ तो मिल गया अलुआ, वो भी पाकिस्तान का। जी बेटा तुमने तो हमारे इंडिया का नाम रोशन कर दिया। कितना प्यार करते हैं सीमा से? जी मैं बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। साले ये इतना ज्यादा प्यार करता है ना, इतना ज्यादा प्यार करता है ना, ये साला कभी फाड़ के दिखा देगा। इसमें लिखा होगा सीमा, सीमा। अच्छा मैंने बार बार देखा है कि जब भी आप कुछ बोलते हैं तो सीमा आपका हाथ बहुत प्यार से पकड़ती हैं आप। ओहो सीमा जी आप तो कमाल कर दिए, इसका हाथ इतना प्यार से पकड़ रहे हैं, इतना प्यार से पकड़ रहे हैं ना, साला मेरा दिल टूट रहा है, मेरा दिल टूट रहा है। क्योंकि साला इससे भी अच्छा जो ना हमारे गांव में रोड पे बोआता है, लेकिन साला उसको कोई भाव नहीं दे रहा है। सही बोलता है कहावत में, जितना अच्छा रहोगे उतना तड़पाता है जिंदगी। साला का किस्मत इसका अच्छा था जो इसको मिल गया पाकिस्तान वाली एक सुंदर सी शादीशुदा बच्चे की माँ वाली लड़की। सीमा के लिए गाना सचिन गाना चाहे। ओहो साले गाओ, गाना गाओ हम भी सुनेंगे, देखता हूँ तेरा गाना में कितना दम रहता है। डावरम ला तेल छोरी फेरब लवली ला दूंगा, ना धो के तू खूब लगाइयो तेरी मौज करा दूंगा। ये क्या है भाई, कौन सा गाना है भाई, फिर से गाना। डावरम ला तेल छोरी फेरब लवली ला दूंगा, ना धो के तू खूब लगाइयो तेरी मौज करा दूंगा। रहने दे भाई रहने दे, अगर तू इससे ज्यादा गा लिया ना ये फट जाएगा भाई, इसे सहन नहीं हो रहा भाई, फट जाएगा कभी। इतना अच्छा गाना मैंने सारा जिंदगी में कभी सुना नहीं था, कभी नहीं सुना था, आज सुनने को मिल गया। तो आज की ये वीडियो जो ना यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ठोको, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ठोको। मैं भी जा रहा हूँ पबजी गेम खेलने, क्या पता मुझे भी एक लड़की पट जाए। कुंदन गेम स्टार्ट कर जल्दी, मेरे को एक लड़की पटाना है।